आले हवस की लुक मोए तन पर रही नजर नानी जमी पे सिर्फ गुजारा अली का है पेश करता हूँ इससे मिलती जुलती रवायत है कि जब मौला अली अलैहि सलाम और मुखालिफीन के दरमियान जंग सफीर हुई थी तो कुछ लोग तो और सहाबा इकराम और किबार सहाबा इकराम वो मौला अली के पलड़े में आ गए, कुछ लोग मौला अली के मुखालिफों के पलड़े में चले गए और कुछ लोग वो थे जो ना मौला अली की तरफ आए और ना वो मुखालिफों के पलड़े में गए, वो न्यूट्रल थे। वो जो न्यूट्रल लोग थे बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है, वो जो न्यूट्रल लोग थे वो जब नमाज का वक़्त होता तो मौला अली अलैहिस्सलाम के पीछे आ जाते और नमाज मौला अली अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ते, और जब खाने का वक़्त होता तो वो मुखालिफीन के पलड़े में चले जाते। उनसे किसी ने पूछा, यार तुम अजीब लोग हो, ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, तो नमाज के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम के पीछे आ जाते हो, खाने का वक्त आता है मुखालिफीन के पास चले जाते हो, इसकी लॉजिक क्या है? उन्होंने कहा कि खाने का मज़ा मौला अली के मुखालिफीन के पास ज़्यादा आता है क्योंकि चिकनी और चिकनाई वाली गजाएँ ज़्यादा हैं, नमाज का मज़ा मौला अली के पीछे आता है। तो फिर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने बड़े इशारतन और किनायतन खूबसूरत बात कही, फिर सुनाए, अब समझ आए। आले हवस की लुक माए तर पर रही नजर, आले हवस की लुक माए तर पर रही नजर नाने इल्म की बसा
अस्हाबी का जो इरशाद दी बजा है, अस्हाबी का जो इरशाद भी बजा, सबसे मगर बुलंद, सबसे मगर बुलंद सितारा है।